हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझे और ध्यानपूर्वक पढ़े। ये सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है। ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़े और लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूं उससे पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। तो प्रश्न पढ़ते हैं कि राजस्थान में किस क्षेत्र में तांबे की खान है। तो आपको याद रखना है वह क्षेत्र है मकराना। ठीक है, मकराना क्षेत्र में तांबे की खान है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है, तो कहां पर स्थित है? खेतड़ी क्षेत्र में। ठीक है, खेतड़ी क्षेत्र में राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। कहां पर? खेतड़ी क्षेत्र में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है प्रथम स्थान है। ठीक है, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? प्रथम। अगला देखते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक भाग है, राजस्थान का सर्वाधिक भाग है, तो सर्वाधिक भाग कैसा है? रेगिस्तान। ठीक है, सर्वाधिक भाग रेगिस्तानी है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है। थार मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर विस्तृत है? तो आपको वो याद रखना है दो तिहाई। ठीक है, दो तिहाई भाग पर थार मरुस्थल विस्तृत है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। राजस्थान का सबसे कम भूभाग है, तो आपको याद रखना है पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, पहाड़ी प्रदेश राजस्थान का सबसे कम भूभाग है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, जरगा पर्वत किस जिले में है। जरगा पर्वत किस जिले में है? तो आपका उत्तर होगा उदयपुर में। ठीक है, जरगा पर्वत किस जिले में है? तो आपको याद रखना है यह है उदयपुर में है। कौन सा पर्वत? जरगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, रण क्षेत्र बहुल्य वाला जिला है। रण क्षेत्र बहुल्य वाला जिला है, तो कौन सा जिला है? जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर है जो रण क्षेत्र बहुल्य वाला जिला है। कौन सा? जैसलमेर। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है। अरावली का तारागढ़ शिखर किस जिले में है? तो आपका उत्तर होगा अजमेर में। ठीक है, अजमेर जिले में अरावली का तारागढ़ शिखर है। ठीक है, किस जिले में? अजमेर में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है। राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है? तो आपका उत्तर होगा पश्चिमी मरुस्थल। ठीक है, पश्चिमी मरुस्थल भौतिक प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार है, किसमें? राजस्थान में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है। राजस्थान के किस जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है? तो आपका उत्तर होगा धौलपुर। ठीक है, धौलपुर जिले का सर्वाधिक क्षेत्र कछारी मृदा का है। कौन सा जिला? धौलपुर जिले का। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदे का बाहुल्य पाया जाता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र में कछारी मृदा का बाहुल्य पाया जाता है। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है। बाजरे का उत्पादन किस प्रकार की मृदा में अधिक किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा बलुई मृदा। ठीक है, बलुई मृदा में बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। कौन सी मृदा में? बलुई मृदा में। अगला देखते हैं। अगला सवाल है, मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त
होती है? मूंगफली की फसल के लिए किस प्रकार की भूमि अधिक उपयुक्त होती है? तो आपको याद रखना है वह है हल्की बलुई, ठीक है, हल्की बलुई भूमि अधिक उपयुक्त होती है मूंगफली की फसल के लिए। अगला देखते हैं, अगला सवाल है मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? मक्का के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो आपका उत्तर होगा दोमट मृदा, ठीक है, दोमट मृदा है जो मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। कौन सी मृदा? दोमट मृदा। अगला देखते हैं, अगला सवाल है दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? दोमट मृदा किस क्षेत्र में नहीं मिलती है? तो क्षेत्र है गंगानगर, ठीक है, गंगानगर में दोमट मृदा नहीं मिलती है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः कौन सी फसल प्राप्त की जाती है? तो आपका उत्तर होगा कपास व मक्का, ठीक है, कपास व मक्का है जो मिश्रित लाल और काली मृदा से सामान्यतः प्राप्त की जाती है। कौन सी फसल? कपास और मक्का। अगला देखते हैं, अगला सवाल है भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? भूरी रेतीली मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है? तो आपका उत्तर होगा फास्फेट, ठीक है, फास्फेट तत्व की अधिकता होती है किस मृदा में? भूरी रेतीली मृदा में। अगला देखते हैं, अगला सवाल है राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है? राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में कौन सर्वाधिक उपजाऊ है? तो कौन सी उपजाऊ मृदा है? जलोढ़ मृदा, ठीक है, जलोढ़ मृदा है जो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में से सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। कौन सी? जलोढ़ मृदा। अगला देखते हैं, अगला सवाल है राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों में किसका क्षेत्र सर्वाधिक है? तो आपका उत्तर होगा रेतीली मृदा, ठीक है, रेतीली मृदा का क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो आपका उत्तर होगा पूर्वी प्रदेश में, ठीक है, पूर्वी प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है? राजस्थान में भूरी मृदा का प्रसार क्षेत्र है तो कहाँ पर है? अरावली के दोनों तरफ के भाग पर, ठीक है, अरावली के दोनों तरफ के भाग पर भूरी मृदा का प्रसार है। अगला देखते हैं, अगला सवाल है राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? राजस्थान में मृत नदी का क्या नाम है? तो आपका उत्तर होगा गगर नदी, ठीक है, गगर नदी को क्या कहा जाता है? मृत नदी, या राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो गगर नदी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो आपको उत्तर बताना है कौन सा? गगर नदी। अगला देखते हैं, अगला सवाल है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में ही बहती है? तो आपका उत्तर होगा बनास नदी, ठीक है, बनास नदी वह नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, वह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास नदी। अगला देखते हैं, अगला सवाल है मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो आपका उत्तर होगा कोठारी नदी पर, ठीक है, कोठारी नदी पर किस बांध का निर्माण हुआ है? तो आपको याद रखना है किस बांध का? मेजा बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पर? कोठारी नदी पर। तो दोस्तों आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।